नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों के डकैती, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की विवेचना निर्धारित समय में पूर्ण कर आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में विभिन्न राज्यों में जिन विवेचना अधिकारी द्वारा कष्ट विवेचना की गई है उन अधिकारियों को भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन वर्ष 2019 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में से मध्य प्रदेश के 8 अधिकारियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 8 अधिकारियों में वर्तमान में छिंदवाड़ा कोतवाली में पदस्थ निरीक्षक विनोद कुमार कुशवाहा को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौरी पुलिस ने मंगलवार को माचागोरा डैम में फंसे 10 लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। दरअसल मंगलवार को कुछ व्यक्ति माचागोरा डैम से नाव में बैठकर देवरदा काराघाट की तरफ जा रहे थे। इस बीच अचानक तेज बहाव आ जाने से नाव में बैठे सभी व्यक्ति डैम के गहरे पानी में बीचों बीच फंस गए। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान मंजुराय ने होमगार्ड की रेस्क्यू टीम और धर्मटेकड़ी चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार के साथ भेजा और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने रेस्क्यू कर नाव में बैठे 10 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को सुरक्षित गैस जलाने का प्रशिक्षण दिया गया। कैलाश नगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेंडर रखने की जानकारी दी गई, लेकिन डेमो देते समय खुद एजेंसी के कर्मचारी भूल गए कि सिलेंडर से चूल्हे को 2.5 फीट ऊंचाई में बताने के साथ साथ दिखाना भी था, लेकिन दोनों को ही बराबर रखा गया। इसके अलावा गैस सिलेंडर स्कूल में रखने के साथ फायर उपकरणों को भी नहीं लाया गया। अपनी शाला अपनी जिम्मेदारी के अभियान के अंतर्गत स्कूलों में शिक्षक और छात्र खुद ही सफाई कर रहे हैं। मंगलवार को स्थानीय छोटी एमएलबी स्कूल में प्राचार्य की समझाइश पर विद्यालय की छात्राओं ने मैदान परिसर में कचरा साफ किया। प्राचार्य मनीष मिश्रा ने बताया कि विद्यालय की छात्राएं टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद खुद ही सफाई के लिए पानी डालती हैं। आपको बता दें कि यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम के अंतर्गत अब प्रशासन भी ऐसे स्कूलों की जानकारी एकत्र कर रहा है जहां खुद ही शिक्षक और छात्र सफाई करते हों। शहर में यातायात थाने से चंद फासले की दूरी पर मंदिर की आड़ लेकर बनाई दीवार मंगलवार को नगर निगम की टीम ने गिरा दी। सुबह करीब 11 बजे ये कार्रवाई निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले, एसडीएम अतुल सिंह और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। बताया जा रहा है कि यहां बांस बल्ली का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति ने अपने निजी फायदे के लिए दीवार खड़ी कर ली थी, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।